दगड़ियो नमस्कार पहलाक और आप सबका सर अच्छा उम्मीद करनु सब भल है रचा मैले भल छूँ। और दोस्तों स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे आज के इस ब्लॉग में जो मैं काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ क्योंकि ठंड बहुत था इस वजह से मैं बना नहीं पाई। और जो भाई बहन इस चैनल पे नए हैं उन्हें बता दूँ मैं तारा नेगी उत्तराखंड जिला नैनीताल कॉर्बेट रामनगर से हूँ और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 11:30 बजे से। आइए आपको मैं दिखा देती हूँ 11:30 बजे से आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और आज अच्छी खिली खिली सी धूप आई है ये आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर आज मतलब मौसम हो रखा है और ठंडा भी थोड़ा कम है, नहीं तो इतना ठंडे से ठिठुर गए थे बहुत ही ज़्यादा, कहीं जा नहीं पा रहे थे कहीं आ नहीं पा रहे थे, मतलब बिस्तर में ही पड़े हुए थे। तो आज अच्छा लग रहा है काफ़ी। और आज का ब्लॉग में आज थोड़ा सोचा कि मौसम सही है तो थोड़ा साफ़ सफ़ाई कर ली जाए क्योंकि काफ़ी ठंड से मैं थोड़ा साफ़ सफ़ाई नहीं की, तो आज ही पर्दों धोने हैं हमने। और काफ़ी चीज़ें भी हैं जो आपसे शेयर करनी है। अभी हाल ही में ही कुछ महिलाएं गई थी, जंगल गई थी लकड़ी के लिए बिनने के लिए, लकड़ी बिनने के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ है, बाघ ने उन पर आतंक कर दिया है, हमला करा है। तो ग्रुप में गए थे 7-8 लेडीज़ थी, वो ग्रुप में गई हुई थी तो उसमें से एक लेडीज़ के बाघ ने यहाँ पे सीधे अटैक किया है मतलब गले पे, जिससे वो बोल नहीं पाई और वो मिस हो गई, उनके बीच में से ही वो लापता हो गई। तो काफ़ी आवाज़ लगाने के बाद भी जब उनका पता नहीं चला तो सारी महिलाएं आई घर, गांव आई, वापस आई और यहाँ से फिर और जनता को अपने साथ ले गई, भाई बंधुओं को साथ ले गई और जंगलात वालों को भी साथ ले गई। तो उन्हें रात भर पूरा घूमने के बाद रात में जाके कहीं उन्हें वो महिला की लाश मिली है जिसमें बताया गया है कि उनका जो ये सर है ये काफ़ी मतलब बाघ ने धदोड़ रखा था। बोलते हैं कि जैसे किसी चीज़ को मतलब यहाँ पे दांत, यहाँ दांत, यहाँ दांत, इस तरीके से मतलब चेहरा या सर कहिए बहुत बेहाल कर रखा था। और दूसरा चीज़ उसमें क्या होता, उनका जो ये पैर है होता है हमारा जांग होता है, ये जांग इधर साइड हिप साइड आधा पूरा खा रखा था। तो काफ़ी उनकी मतलब बहुत ही ज़्यादा स्थिति ख़राब हुई थी जिससे उनकी मौत हो गई वहीं पे ही। तो उनकी बॉडी को घर लाया गया, फिर पोस्टमार्टम किया गया जिससे जो गांव की जनता है वो बहुत ज़्यादा आक्रोश में है और बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वन विभाग वाले कर्मचारी भी वहाँ पर गए हुए थे, उनसे क्या हुआ है वो भी काफ़ी मतलब इतना आक्रोश में है कि अब वो ये डिमांड कर रहे हैं कि इस बाघ को मारो, यहाँ पर कुछ ऐसा करो कि जिससे ये हमले ना हो, हमारे इंसान की मतलब जाने ना जाएँ, हमारे अपनों की जाने ना जाएँ। इससे बहुत ज़्यादा माहौल वहाँ का ख़राब हुआ है। और मम्मी लोग कल भी गए थे वहाँ पर धरना में, आज भी गए हैं, तो काफ़ी पब्लिक वहाँ पर इकट्ठा हुई है कि इस चीज़ को रोका जाए, इस आतंक को रोका जाए, बाघों का जो निरंतर हमला हमारे गांव में हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, तो उससे क्या है मुआवजे से भी क्या होगा, हमारा अपना जो है वो वापस तो नहीं आ पाएगा। इतना दुख वहाँ पे है, बच्चे हैं और इनके तो क्या था फैमिली मतलब बेटी थी, उनकी शादी हो गई थी लेकिन फिर भी वो इतना रो रही थी क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप ही हैं उनका मतलब कोई भी पल या वो जितना हमारे साथ रहे हमारे लिए तो उतना ही अच्छा रहता, उनका आशीर्वाद उनका प्यार जितना हम पे बना रहे हमें तो वही अच्छा लगता, लेकिन इस तरीके से उनकी मौत होगी ये सोचा नहीं था। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गांव में आक्रोश फैला हुआ है जनता के बीच में। तो मम्मी लोग आज भी गए हैं, देखते हैं क्या होता है कैसे होता है, मैं आपको शाम को ही पूरी डिटेल अपडेट करवा पाऊँगी। तब तक मेरे ब्लॉग में बने रहिए गाइस, मिलते हैं आपसे। तब तक मैं अपने घर के काम कर लेती हूँ फिर आपसे बात करते हैं। आइए देखते हैं आज साफ़ सफाई का मूड बना हुआ है क्योंकि मौका मिला हुआ है, जाहिर सी बात है मौका मिला हुआ है, इसलिए चलिए चलते हैं।
हमने मशीन भी लगा रखी है, इसमें भी कुछ कपड़े मैंने रखे हैं धोने के लिए, सो धो दिए हैं। मशीन में भी हमने कपड़े कुछ लगा रखे थे धोने के लिए, सो फिर से इसको रीस्टार्ट कर देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी सारे पर्दे मैंने उतार के यहाँ पे रख लिए हैं, इकट्ठा करके रख लिए हैं, वो जैसे ही कम्बल धुलते हैं उसके बाद मैं इनको लगा दूँगी मशीन में। और आज बहुत ज़्यादा काम है और मेरा घर पूरा आज बिखरा हुआ है। चलिए चलते हैं। इनका टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं, सो पर्दे वर्दे भी हम लोगों ने लगा लिए हैं अच्छे से। और मम्मी कर रही है पीछे कपड़ों की तय, और आज देखते हैं क्या बनाना है खाने में, काफी चीज था। और मम्मी लोग गए थे आज धरने में, क्या हुआ मम्मी वहाँ पे? 5 दिन की मोहलत दे, क्या कह रहे थे वो? बाघ को पकड़ के, हाँ उसे तो हमारा इरादा है मारने का, अगर बाय चांस नहीं मारेंगे तो पकड़ के और कहीं छोड़ देंगे, और कहीं छोड़ देंगे पकड़ के। हाँ। और 5 दिन की वो दे रही थी ना, 5 दिन का टाइम दे रखा है, 5 दिन का हमको टाइम दो। अच्छा हाँ। 5 दिन का टाइम दे रखा, मम्मी बता रही वहाँ पे बात हुई होगी, तो 5 दिन का इनको टाइम दे रखा है सरकार को या वन कर्मी को, कि 5 दिन के अंदर जो भी है फैसला करिए क्या होना है और क्या नहीं। तो देखते हैं 5 दिन बाद क्या फैसला आता है, तब तक मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। और आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद जय भारत दोस्तों।